उज्जैन जिलाधीश आशीष सिंह और नवागत पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने आज बड़नगर का दौरा कर तहसील कार्यालय परिसर पर आला अधिकारियों से नगर की जानकारी हासिल की। तत्पश्चात नगर के कंटेनमेंट एरिया का दौरा किया। जिलाधीश आशीष सिंह और नवागत पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह ने मीडिया को बताया कि नगर में 19 अप्रैल से अभी तक कुल 59 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से अधिकतर व्यक्ति रिकवर होकर घर पहुंच गए। अब कुल 19 कोरोना पॉजिटिव का इलाज जारी है, यह चिंता का विषय बना हुआ। इस पर प्रशासन को थोड़ा राहत जरूर महसूस हुई है, पर जिलाधीश ने बताया कि आने वाले 10 दिनों तक लॉकडाउन का और भी सख्ती से पालन किया जाएगा। इस अवसर पर एडिशनल SP आकाश भूरिया, SDM एकता जायसवाल, तहसीलदार सुरेश नागर, SDOP घनश्याम बामनिया, थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति, CMO कुलदीप किंकू सहित आला अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही प्रशासन ने नगर के नागरिकों से अपील की है कि वह अपने घरों में ही रहे और सुरक्षित रहे। दिनांक 18 मई से शासन की लॉकडाउन 4 नई गाइडलाइन के अनुसार नगर में कानून व्यवस्था की जाएगी। बड़नगर से शांतिलाल परमार की रिपोर्ट। ज्वाइन किया हूँ, तब से मुझे बहुत खुशी और हर्ष है कि बड़नगर की पब्लिक लॉकडाउन को पालन करने में पूरा सहयोग कर रही है। डॉक्टर साहब ने डिटेल में आपको सारी बातें बताई हैं। जब तक हम बीमारी को जानेंगे नहीं, उसका इलाज कैसे करेंगे, इसलिए पूरे सर्वे की टीम सर्वे कर रही है, उसको हम बाहर निकालने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। सेकेंड हमारा ये कहना है यहाँ का आम जनता से, आम पब्लिक से, इस बीमारी का इलाज मात्र लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है। जितना लॉकडाउन को आप सफल करेंगे, पालन करेंगे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, उससे हम लोग इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो हम लगातार पिछले एक सप्ताह में पूरे ज़िले में 1000 से ऊपर 188 के मुकदमे कायम किए हैं, कार्रवाई की गई है। बड़नगर में मेरे ख्याल से एक सप्ताह में करीब 80 के करीब केस दर्ज हुआ है। तो जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, उसका हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे। जनता का सहयोग की पूरी अपेक्षा भी मुझे है कि जनता सहयोग करे, क्योंकि मेरा मानना है, सबका मानना है, ये बीमारी को भगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन एक मात्र उपाय है। सब लोग आपके माध्यम से सबको मैं अपील करता हूँ कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें और प्रेस के बंधुओं से भी हम लोगों का अपील है, इस बात को आप लोग भी लोगों तक पहुँचाएँ, हम लोगों की आवाज़ को लोगों को बताएँ, ताकि बहुत जल्दी हम लोग बड़नगर शहर में कोरोना से मुक्त हो सकें। सर, यहाँ के थाना पर मृत्यु दर हमारा बहुत नीचे जाना चाहिए और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जितनी जल्दी आइडेंटिफिकेशन हो जाए पॉजिटिव मरीजों का, उतना आवश्यक है। तो हम लोग इसी स्ट्रेटजी पे काम करते हुए सर्वे और सर्विलांस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमारी घर घर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की टीमें जा रही हैं और पूछ रही हैं कि कोई सारी ILI वाला, सांस लेने में तकलीफ़ या सर्दी जुकाम वाला कोई मरीज़ तो नहीं है। अगर वो होता है और अगर डॉक्टर को लगता है कि इसका सैंपलिंग किया जाना आवश्यक है, तो तत्काल सैंपलिंग लेते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं, उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं। अच्छी बात यह है कि सारी गतिविधियों से एक डेथ जो शुरुआत में हुई थी, उसके बाद में कोई भी डेथ नहीं हुई है। आज भी 9 मरीज बड़नगर के RD-GRD से डिस्चार्ज हो रहे हैं। आज के बाद केवल 19 ऐसे मरीज बचेंगे जो भर्ती रहेंगे अस्पतालों में, इससे अधिक संख्या में लोग ठीक होकर अपने घर वापस आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से भी अपील करूँगा कि कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, अगर हम लोग समय रहते लक्षण जैसे ही प्रकट होते हैं अगर डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो आराम से 10-12 दिनों के अंदर मरीज ठीक होकर वापस घर आ जाएगा। बड़ी संख्या में चाहे यहाँ के हों चाहे उज्जैन के लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं। जो भी प्रशासन नियम बनाता है उनका पालन करें, कर्फ्यू लॉकडाउन का पालन करें और कहीं भी सिम्टम्स होते हैं तत्काल देखें। तो प्रशासन बैठक में भी क्या निर्देश दिए? देखिए, बैठक में एक तो सर्वे सर्विलांस वाला काम हमारा लगातार चलते रहे, ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई वन टाइम की एक्सरसाइज नहीं है। एक बार सर्वे अगर कंप्लीट हो जाता है एक टीम का 200-250 घरों का, तो एक दिन का ब्रेक लेके फिर दोबारा शुरू कर दें, क्योंकि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिनों का होता है। तो हो सकता है जिस समय सर्वे की टीम गई हो उस समय लक्षण ना हो, लेकिन वायरस जो है वहाँ पर स्प्रेड हो चुका हो। तो लगातार अगर हम लोग करते रहेंगे, लोगों को चिन्हांकित करते रहेंगे। मैं बार बार यही कहता हूँ कि पॉजिटिव आने से अपने को घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग पॉजिटिव निकाल रहे हैं, अगर वायरस फैल चुका है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अर्ली स्टेज पर ही जाके लोगों को, मरीजों को पकड़ रहे हैं और बहुत जल्दी ठीक होकर आ जाएंगे। मृत्यु नहीं होनी चाहिए और लोगों की हालत गंभीर नहीं होनी चाहिए, हम लोग इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। सर, बड़नगर के बारे में कोई शिकायत? सर देखिए, शिकायत नहीं, यहाँ पे जो कोरोना वाली चीज़ें हैं काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ गई हैं। गेहूँ खरीदी में ज़रूर यहाँ से 2-4 केंद्रों से शिकायत जो है वो प्राप्त हुई है, और वो भी उसका कारण कहीं कहीं पर बारदाने का ना होना और परिवहन का ना होना है। बारदाने के लिए हम लोग जिला स्तर से व्यवस्था कर रहे हैं, कल सुबह तक बारदाने की समस्या पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। परिवहन के संबंध में चूँकि मेन ट्रांसपोर्टर उतना काम नहीं कर पा रहा है, हम लोग उसको नोटिस दे रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोकल SDMs को ये बताया गया है कि जो लोकल ट्रांसपोर्टर हैं
उनके थ्रू ट्रक लगवाए जाएँ और उनको सीधा भुगतान हम लोग सरकार से करवाएंगे, जिससे कि जो मुख्य ट्रांसपोर्टर है उस पर निर्भरता हमारी कम हो सके। सर, चौथे चरण की शुरुआत हो रही लॉकडाउन के, तो कोई प्रशासन इस मामले में कोई रियायत देने जा रहा है? आज मैं इंतज़ार करूंगा कि MHA की कोई गाइडलाइन या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन आ जाती है तो हम लोग उसका पालन करेंगे, उसके आधार पर आदेश जारी करेंगे। लेकिन बड़नगर शहर में, उज्जैन शहर में इनमें वैसे भी कोई छूट की संभावना नहीं है, क्योंकि इनमें भी बहुत काफ़ी मात्रा में वायरस जो है वो स्प्रेड हो चुका है, तो यहाँ पर वैसे भी कोई छूट नहीं मिलेगी। जैसा चल रहा था, कम से कम 30 तारीख तक हम लोग इसी हिसाब से चलाएंगे, उसके बाद छूट देने पर सोचेंगे। बाकी एरियाज के लिए MHA और राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस होंगी उनका पालन करते हुए हम लोग शाम को आदेश जारी करेंगे। जैसे स्वास्थ्य के लिए सर, श्रमिक जो आ रहे हैं उनके लिए कुछ अपने जिले के? देखिए, श्रमिकों के लिए हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।